तो ये है दोस्तों Redmi का Redmi 10 और ये एक नया फोन है। ऐसा नहीं है कि Redmi 10 नाम है तो दो साल पहले या फिर एक साल पहले का फोन है, ये पूरा बिल्कुल नया है। इसी महीने लॉन्च हुआ है, यानी कि मार्च के महीने ही लॉन्च हुआ है 2022 में। Redmi का नोट में Redmi नोट 11 सीरीज चल रहा है, लेकिन जो Redmi का नंबर सीरीज नॉर्मल नंबर आता है विदाउट नोट वाला, उसमें 10 प्राइम लॉन्च हुआ था और इसके बाद ये लॉन्च हो गया है Redmi 10। तो Redmi 11 आपको बाद में देखने को मिलेगा, अभी ये लॉन्च हो गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसका डिब्बा खोल करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं इसका पहले मुंह दिखाई और डिब्बे के ऊपर क्या है, डिब्बे के अंदर क्या है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है कि Redmi 10 का डिब्बा कैसा है और डिब्बे के अंदर जो फोन है वो कैसा है, इन सब के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि Redmi 10 के डिब्बे के बारे में और डिब्बे के अंदर क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक डिब्बा का ओवरव्यू ले लेते हैं कि डिब्बे में क्या कुछ लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ, और इस पर Redmi ने कुछ नया किया है, यहाँ पे लंबा लंबा ये स्टिकर दिया गया है, टेम्पर प्रूफ स्टील है ये। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये अगर टेम्पर हुआ है तो आपको पता होगा कि ये टेम्पर हुआ है तो इसको लेना नहीं है, इसी के लिए ये इस तरह का स्टिकर दिया गया है। तो अभी पहले में क्या दिखता है, यानी कि सामने तरफ क्या है, तो इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड ये लिखा गया है, Redmi 10 लिखा गया है, और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, 6000 mAh का बैटरी है वो मेंशन किया गया है। इस तरफ उनका क्वालिटी ये है, नंबर वन क्वालिटी है, ये सब वगैरह दिया गया है। इस तरफ Redmi 10 लिखा गया है, और इस तरफ की बात करें तो ये कुछ दिया गया है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं बता देता हूँ। Redmi 10 ब्लू कलर वाला है, 4G 64G वर्जन है, प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे, मॉडल नेम है यहाँ पे, ब्रांड Redmi है, और बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है, और कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया गया है आंध्र प्रदेश में, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्राइस यहाँ पे 15,000 लिखा गया है, लेकिन ये आपको 11,000 में देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे किस पसंद दिया गया है, जैसे कि 680 प्रोसेसर है, 6000 mAh का बैटरी है, 6.71 का डॉट नॉच वाला डिस्प्ले है, और 50MP का प्राइमरी कैमरा है विथ पोर्टल लेंस आता है, और बाकी यहाँ पे अप टू 2G वर्चुअल रैम है, वोल्टी ये वगैरह है, और 2+1 स्लॉट है, 10W का चार्जर बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, और यानी कि 18W सपोर्टेड है, लेकिन 18 क्या 30W भी फास्ट चार्जर भी 30W भी फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे आपको 10W का चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। प्लस 2 में ये दिया गया है, यूएस 2.2 का सपोर्ट है और फिंगरप्रिंट सेंसर है, यानी कि अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.2 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मेड इन इंडिया का यहाँ पे ठप्पा लगा हुआ है, और जैसे कि बताया कि ब्लू कलर है। अब जल्दी से ओपन करते हैं बॉक्स को, और बॉक्स को ओपन करके आपको बॉक्स के अंदर क्या कुछ है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हो गया बॉक्स ओपन, और ये है फोन, बहुत ही बड़ा फोन मुझे लग रहा था, क्योंकि 6.7 इंच तो भाई बहुत ही लंबा होगा। तो फोन को यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, और क्या कुछ मिलता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जो पिन होता है वो मिलता है, इसके अंदर क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है पेपर वर्क वगैरह। तो इसमें आपको बैक कवर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो है फोन और ये यहाँ पे पेपर है, बैक कवर आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10W का एक नॉर्मल सा चार्जर बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल 10W को नॉर्मल चार्जर ही बोलते हैं, जमाना था जब की इसको भी फास्ट चार्जर बोल रहे थे 10W को, लेकिन आजकल 10W को नॉर्मल चार्जर, इवन 18W भी नॉर्मल हो गया आजकल। तो और ये है टाइप सी केबल, आप देख सकते हैं आप। तो ये तो हो गया डिब्बा के अंदर क्या कुछ चीज़ है, अब बात करते हैं हम फोन के बारे में, फोन कैसा है। तो फोन को यहाँ से मैं निकालता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का आपको फोन देखने को मिलता है, और इसी के चलते यहाँ पे आपको बैक कवर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्लास्टिक है, और साथ में यहाँ पे मैट फिनिश जो बोलते हैं उसी तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको बैक कवर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मिलता है। तो एक फ़ोन का भी और भी आपको दे देता हूँ, और फ़ोन को भी ऑन कर लेता हूँ, इसको हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ, और उससे पहले आपको एक फ़ोन तो ऑन होता रहेगा, MIUI 13 यहाँ पे मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं,
फोन का एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 6.7 इंच का फ्रंट में आपको डिस्प्ले मिल जाता है, HD प्लस है, फुल HD नहीं, यानी कि 1080p डिस्प्ले नहीं है, ये 720 वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बटन की, यानी कि वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड पावर बटन देखने को मिल जाता है। नीचे की बात करें तो यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, स्पीकर के लिए और एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा तो नहीं, डुअल कैमरा का सेटअप है, एक फ्लैश लाइट है और ये डिजाइन के लिए दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे तीन कैमरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये मेन कैमरा ये है और एक ये कैमरा पोर्ट्रेट लेंस है, ये फ्लैश लाइट है और यहाँ पे ये AI लिखा गया है, कुछ यहाँ पे कैमरा नहीं है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, रेडमी की ब्रांडिंग है और यहाँ पे इसको हम निकाल देंगे। यहाँ पे सार वैल्यू लिखा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। सार वैल्यू जो है हेड के लिए 0.769 वाट पर केजी और बॉडी के लिए 0.73 वाट पर केजी। अब जल्दी से फोन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का स्पीड भी दिखा देता हूँ, कितना टाइम में ये फिंगरप्रिंट सेट होता है। तो हम पैटर्न लॉक यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे हम गॉट इट कर देते हैं। जैसे स्टार्ट हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम नॉर्मल सा एक पैटर्न लॉक दे देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। आप यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट अजीब से जगह थोड़ा ऊपर पे दे रहा है, तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट देता हूँ और यहाँ पे ये हो गया, तो तुरंत ही हो जाता है। अब इसको पूरा फुल ऑन होने देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों फोन, आप देख सकते हैं फोन ऑन हो चुका है और क्या कुछ मिलता है वो भी दिखाता हूँ। ब्लूटूथ मिलते हैं कि नहीं वो भी दिखाता हूँ, उससे पहले लेकिन आपको फिंगरप्रिंट भी दिखाता हूँ कि फिंगरप्रिंट रेस्पॉन्सिव है कि नहीं वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो ये लॉक किया मैं और ये ऑन हो गया, तो फिंगरप्रिंट सही से काम कर रहा है, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, बहुत ही जल्दी है और रेस्पॉन्सिव है, पूरा अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। अब ब्लूटूथ वगैरह क्या कुछ मिलते हैं, क्योंकि Xiaomi का फोन है और ब्लूटूथ नहीं होगा, यानी कि एक्स्ट्रा ऐप बाहर के नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता है, तो ये तो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि उनका खुद का MI वगैरह है, उसके बाद मोर ऐप में जाएंगे तो Amazon, जील शॉर्ट्स वगैरह ये सब आपको, स्पॉटिफाई वगैरह, मौज ऐप भी मिल रहा है, ये सब इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पहली बार में देखने को मिल जाता है। अब सेटिंग में चलता हूँ और अबाउट फोन सेक्शन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये है अबाउट फोन और यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI ग्लोबल वर्जन 13.0.1 मिल रहा है। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB से यहाँ पे ऑक्यूपाई है 23 GB, तो इतना यहाँ पे ये ले चुका है सिस्टम के साथ और जो बाकी बदरे ऐप है वो उन सब के साथ ये 23 GB ले चुका है और बाकी बचा हुआ है। आप यहाँ पे MIUI वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 11 यहाँ पे मिल रहा है। सिक्योरिटी अपडेट की बात करें तो फरवरी महीने का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है और बाकी ऑल स्पेक्स भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 GB रैम है प्लस 1 GB एक्सटेंडेड है, यहाँ पे 2 GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी के लिए 1 GB लिया गया है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, एंड्रॉइड वर्सन आपको बता दिया, MIUI बता दिया और ज़्यादा कुछ यहाँ पे जानने का जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में इसका और भी बहुत सारे वीडियो आने वाला है, तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, जरूर से आपको यहाँ पे वीडियो जल्दी से देखने को मिल जाएगा। एक बार इसका कैमरा सेटिंग भी दिखा देता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे कैमरा सेटिंग देखने को मिल जाता है। एक फोटो क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे फोटो देखने को मिलेगा, तो फोटो यहाँ पे अच्छी तरह से क्लिक हो रहा है। आने वाले टाइम में इसका कैमरा टेस्ट भी आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी फ़ोन को ऑन किया हूँ तो आपको यहाँ पे दिखा दिया कि क्या कुछ आपको यहाँ पे किस तरह का देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये मत कहना कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं। तो जैसे कि स्टार्टिंग से बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि भाई सिर्फ बॉक्स खोल के दिखा दिया फ़ोन का, तो मैं भाई बता देता हूँ कि मैं स्टार्टिंग से बता दिया हूँ कि एक डिब्बा खोल वीडियो है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है और फोन ओवरऑल फर्स्ट बूट में कैसा है, क्या कुछ है, प्रेफरेंस कैसा है, क्या कुछ देखने को मिलता है, उसके बारे में बता दिया। आने वाले टाइम में इसका डिटेल्स वीडियो आता है, गेमिंग रूप अलग से आता है, USB OTG टेस्ट आता है अलग से, सिम का टेस्ट अलग से आता है, तो सबका अलग अलग आता है, और इसके अलावा और भी आप कुछ पूछते हैं तो उसका भी अलग से वीडियो आता है। तो मैं डिटेल्स में पूरा बारी बारी करके बनाता हूँ, इसीलिए जो फर्स्ट फोन का रिव्यू होता है, यानी कि फर्स्ट जो मुंह दिखाई होता है, डिब्बा खोल मुंह दिखाई, वो सिर्फ डिब्बा खोल और मुंह दिखाई होता है, फोन कैसा दिखता है, बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है, इन सब बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर देना, नीचे आपको बटन मिल जाएगा रेड कलर का, उसको दबा के ग्रे कर देना।
और ये वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला इस फोन के बारे में, तो जरूर से लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन, आप देखें टेक्निकल चैनल, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।